तो दोस्तों फाइनल यहाँ पर सैमसंग का S23 FE स्मार्टफोन बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। ये NTBC सर्टिफिकेशन साइट पर सर्टिफाइड हो चुका है, जिसका मॉडल नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि स्मार्टफोन में आपको क्या कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाली है, किस प्राइस पॉइंट तक ये स्मार्टफोन इंडिया मार्केट में आ सकता है। तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं S-Technical इंडिया यूट्यूब चैनल। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी भाइयों से एक निवेदन है, जो कोई भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी कमाल की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने को मिलती रहती है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्मार्टफोन के डिजाइन की बात करें तो एकदम प्रीमियम बिल्ड वाला डिजाइन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। डिजाइन भी की तरफ अगर हम नजर डालें तो यहाँ पर आप सभी को याद होगा कि S23 सीरीज जब लॉन्च की गई थी तो S23 एंड S23 Plus स्मार्टफोन में जो आपको डिजाइन देखने को मिला था, सेम वही डिजाइन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलने वाला है। यानी कि स्मार्टफोन कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इसके अंदर में आपको दोस्तों मेटल का फ्रेम देखने को मिलेगा, पीछे की तरफ बैक ग्लास डिजाइन देखने को मिलेगा, जो कि कोर्निकल ग्लास विक्टस होने वाला है। तो बिल्ड वगैरह काफी तगड़ी इसके अंदर में आपको देखने को मिल जाएगी। सैमसंग की ब्रांडिंग एंड ट्रिपल कैमरा सेटअप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। कैमरा सेटअप काफी कमाल का होने वाला है। यहाँ पर जो आपको प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा वो 15 MP का होने वाला है। इसी के साथ में यहाँ पर आपको एक 12 MP का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा और एक 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी इसके अंदर में आपको देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल कैमरा सेटअप यहाँ पर आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। और आप सभी जानते हैं सैमसंग के जितने भी प्रीमियम स्मार्टफोन है वहाँ पर कैमरा परफॉर्मेंस आपको एक्सीलेंट देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर में आपको देखने को मिलेगा 6.3 इंचेस का एक OLED डिस्प्ले, जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में आएगा। एंड सीरियसली कलर वगैरह यहाँ पर आपको काफी पंची देखने को मिलेंगे, 10-bit कलर डिस्प्ले होने वाला है। कोर्निंग ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन के साथ में आएगा। सेंटर कंसोल डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले वाइज स्मार्टफोन काफी सही रहेगा, बस साइज आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपको छोटा देखने को मिल जाता है, बाकी अदरवाइज डिस्प्ले में आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती। सेल्फी कैमरा की बात करें तो फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा 12 MP का सेल्फी कैमरा, जहां पर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और रियर साइड में आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग तक का ऑप्शन आपको देखने को मिलने वाला है, वो भी 24 FPS तक पे। बाकी बात करें स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की तो देखिए इंडिया मार्केट में ये स्मार्टफोन क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 के साथ में आएगा। एंड ग्लोबल ये स्मार्टफोन सैमसंग के एग्जीनोस 2200 प्रोसेसर के साथ में आने वाला है। काफी अच्छी बात है कि इंडिया के अंदर में क्वालकॉम के साथ में आ रहा है, एग्जीनोस के साथ में नहीं आ रहा है। और दो वेरिएंट आपको उसके देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर में, 8GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज। एंड इसका जो सेकंड वेरिएंट होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 8GB RAM प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो उसका बेस ब्रांड यहाँ पर आपको 54,999 यानी कि 55,000 रुपये में देखने को मिलेगा। एंड इसका सेकंड वेरिएंट यहाँ पर आपको 59,999 यानी कि 60,000 रुपये में देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल अगर आप देखते हैं प्राइस को तो काफी ज्यादा ओवर प्राइसिंग का सामना यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट आप ऐसा मान के लिए 25 से 30 हज़ार रुपये ये स्मार्टफोन आपको ओवर प्राइस देखने को मिल रहा है। आपके क्या राय है इसकी ओवर प्राइसिंग को लेकर के, अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे इंडिया के अंदर में अगर आप इस प्रोसेसर को देखते हैं यानी कि क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आईक्यू का 7 Pro आपको देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर आपको अराउंड 33-34 हज़ार रुपये में देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराता है। तो उसके अगर आप कंपेयर करते हैं तो ऑलमोस्ट 20,000 रुपये ओवर प्राइस यहाँ पर आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। 20 में भी 25,000 आप मान करके चलिएगा, इतना ज़्यादा ओवर प्राइसिंग का सामना यहाँ पर आपको इस बार करना पड़ेगा इस स्मार्टफोन के सामने। इसके अलावा यहाँ पर इसके अंदर में आपको 4,370 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। 25 W की फास्ट चार्जिंग को स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। बॉक्स के अंदर में आपको चार्जर नहीं मिलेगा, वो आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन आपको इसके अंदर में देखने को मिल जाती है। बाकी ऑफिशियली लॉन्च डेट की बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको अक्टूबर के जो फर्स्ट क्वार्टर है यानी कि उसके अंदर में देखने को मिल जाएगा, यानी कि फर्स्ट वीक में आप इसको कह सकते हैं अक्टूबर में देखने को मिलेगा। तो ऐसा पकड़ चलेगा कि 5 अक्टूबर या फिर 4 अक्टूबर को स्मार्टफोन ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा इंडिया मार्केट में। लीकर्स की तरफ से न्यूज जो वो आ चुकी है। आप ही कह रहे हैं वैसे स्मार्टफोन के बारे में अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएगा। आपके हिसाब से स्मार्टफोन कितना ज्यादा ओवर प्राइस है ये हमें कमेंट में जरूर बताएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी कमाल की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने को मिलती है। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।